तो टाइटल कैसा होना चाहिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाय गाइस, वेलकम टू शिक्षा मास्टर जी। टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ कैन यू राइट गुड एंड कैची टाइटल्स फॉर योर ब्लॉग पोस्ट। हियर आई डू ऑल द वीडियोस रिलेटेड टू फ्रीलांसिंग, कंटेंट राइटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो हाय, नाउ आज की जो टाइटल है, जो आज का टॉपिक मैंने सोचा कि कंटेंट राइटिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है टू बी टॉक्ड अबाउट, और जिसमें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हाउ टू राइट अ गुड टाइटल। क्योंकि देखिए, कोई भी ब्लॉग पोस्ट, कोई भी आर्टिकल्स, आप कुछ भी लिखो पढ़ो, पहली बात तो ये है कि हम लोग की जो पहला जो फोकस होता है वो है कि कहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं, पहले हम लोग टाइटल पे देखते हैं। तो टाइटल कैसा होना चाहिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो नाउ आप कैसे एक इम्पॉर्टेंट अच्छी वाला आप टाइटल लिख सकते हैं। देखिए, हमेशा से ही जो जब भी कुछ भी आप लिखना आप लिखते हो या पढ़ते हो, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपकी वर्ड्स। तो वर्ड चॉइसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू डू एनी वर्क, बिकॉज आज कुछ भी आप पढ़ो लिखो, कुछ भी ऐसे इससे रिलेटेड है, आप देखोगे कि आप कैसे एक एक राइटिंग से कैसे आप इफेक्टेड होते हो उसके वर्ड चॉइसेस से। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप कौन सा वर्ड्स चूज़ करते हो, क्योंकि लिखना एक इतना बड़ा जो राइटिंग का पीस है उसमें क्या है, वर्ड्स ही तो है जिससे पूरा पेज भरता है। तो वही वर्ड्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट अ वेरी गुड टाइटल। जैसे कि आपको अगर कुछ चीज़ें बेचनी हो तो आप सेल या ऐसा कुछ वर्ड्स जिससे वो जो आपका जो काम है जिसके वो पता चले, तो ऐसी वाली वर्ड्स आपको यूज़ करना चाहिए। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू। सेकेंड पॉइंट है कि नंबर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमेशा से ही हम लोग एज ए ह्यूमन बींग हम लोग लिस्ट बहुत करते हैं कि आज ये चीज़ें करनी है, या फिर आज मार्केट से ये चीज़ें लानी है, या पांच ऐसे चीज़ें बताओ जिससे कि मेरी ज़िंदगी सुधर सके। तो ऐसी जो टॉपिक्स है, टाइटल्स है, ये बहुत अट्रैक्टिव होती है, क्योंकि हमेशा से ही नंबर्स आर वेरी वेरी कैची, बिकॉज वी कनेक्ट विद इट। एंड दैट इज़ अ रीज़न जब भी आप टाइटल लिखेंगे अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए या कुछ भी आर्टिकल्स लिखेंगे, रिमेंबर दैट व्हेन यू मोस्टली ये जो नंबर्स की जो फैक्टर है ये एक लिस्ट टाइप की ब्लॉग पोस्ट में यूज़ होता है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं इफ व्हेन इट इज़ नीडेड। ओके, नाउ ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जो आपको सोचना चाहिए। और थर्ड चीज़ जो है वो है कि इट शुड बी रिटन इन अ वेरी क्रिस्प एंड प्रिसाइज वे, मतलब कि सही तरीके से लिखना चाहिए। इतना बड़ा टाइटल कभी भी बड़ा नहीं होता, और कभी भी इन विदाउट डेप्थ नहीं होता। इट शुड हैव सम डेप्थ इन इट सो दैट पीपल गेट अट्रैक्टेड टू इट। ओके, सो ये तीन चीज़ अगर आप सीख लें कि कैसे करना चाहिए, तो आप ऐसे ही एक बहुत अच्छा ब्लॉग पोस्ट की टाइटल लिख सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। And if you really like it, please comment me and tell me what are the other things that you want to know so that I can come up with more such unique concepts and videos. So till then guys, bye and take care of yourself. See you in my next video. Bye-bye.